जानोगे और जानोगे तो समझोगे। देखिए महाराज, लेकिन बात तो समझने की है मुंजा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक महीने में कैसे ये फैसला सुना पाऊंगा कि कर्म बड़ा है या किस्मत। इस पहेली को सुलझा पाना थोड़ा कठिन है। उपाय एक ही है, हमें खुद चलकर पता करना होगा। तैयार हो जाओ मुंजा, हम इसी वक्त भेष बदलकर भ्रमण के लिए निकलेंगे और पता करके ही लौटेंगे कि किस्मत बड़ी है या कर्म। भेष बदलकर और जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। हट गई घनघोर घटा। लेकिन तुम दोनों? हम तो यात्री हैं यजमान, भटक रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है झलकार और मेरी आँख से नहीं बच सकता कोई भी कलाकार। तुम दोनों भी कलाकार हो और अब भटकने की जरूरत नहीं। मैं समुद्री व्यापारी हूँ, तुम दोनों चलो मेरे साथ। जी। पहले कभी गए हो समंदर में? नहीं। पर तुम दोनों वीर हो, कोई बात नहीं, कल बंदरगाह पर मिलो। पोटली इतनी बड़ी, खोली तो मिली एक दमड़ी। क्या किस्मत है, हम सही वक्त पर आ गए यहाँ और इस तोंदुमल को बचा लिया और नौकरी भी मिल गई। लेकिन अगर हम उस घोड़े से इसे नहीं बचाते तो ये सब नहीं होता। यहाँ बहुत लोग खड़े थे लेकिन कर्म सिर्फ हमने किया। तूफान आने वाला है। क्या तूफान? अरे मर गया रे बापू, इसमें डरने की, चलो देखते हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना होगा, यहाँ रुके तो खतरा बढ़ जाएगा बापू। वीरों का रास्ता तो खतरों से भरा होता है जजमान। पता नहीं क्यों होता है, तुम जाओ जल्दी लंगर उठाओ। ये रस्सी तो लगता फंस गई है। मुझे बचा लो, नीचे जाकर लंगर को निकालना होगा और नहीं निकले तो रस्सी काट देना। ऊपर से रस्सी काट दे। पाप लगेगा, इसकी बातों पे मत ध्यान दे। घंटी मंदिर की जिंदा रहेगा तभी तो बजेगी। लेकिन एक वीर पुरुष कायरता का काम कैसे करेगा? तो वीर नहीं है, काट दे रस्सी तभी बचेगा। घनघोर घटा, दुविधा हटा। पर
बच गए। अब तो मानोगे ना, महाराज की किस्मत अच्छी थी। लेकिन अगर हम जान को संकट में डालकर नीचे नहीं गए होते तो इसीलिए ये कर्म की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब क्या करें? झलकार ने पश्चिम की तरफ कोई टापू देखा था शायद, उधर ही चलो। चलो बापू। तैयार कर मुंजा। आओ महाराज विक्रमादित्य और जादुई मुंजा। आप कौन है ऋषि और हमें कैसे पहचानते हैं? जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो सब साफ साफ नजर आने लगता है, लेकिन हमें आश्चर्य है कि आप क्यों साफ साफ नहीं देख पाए कि किस्मत बड़ी है या कर्म। क्या आपको ये भी पता है कि हम भ्रमण पर क्यों निकले हैं? जाओ विक्रमादित्य, वो जहाज यहाँ तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। अपने राज्य जाओ, वहाँ लोगों को तुम्हारी जरूरत है। ये जादुई माला है, इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और ये लाठी तुम्हें सही दिशा बताएगी। तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। से जो राजा विक्रम को मारने का षड्यंत्र हम तैयार कर रहे हैं, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। हमारे लोग हमें ही मारने की बात कर रहे हैं। इन घर के भेदियों को तो सबक सिखाना होगा। रुकिए महाराज, ये तो केवल सैनिक हैं, उनके पीछे जरूर कोई और होगा। हमें इंतजार करना चाहिए। कोषाधीश, इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था और हमें कोई खबर ही नहीं थी। सुनो, हमें आज रात ही राजा विक्रम को, समझ गए? अब जाओ। इन्हें यहीं छोड़ दो मुंजा। महाराज विक्रम का महल किधर है? क्यों जाना चाहते हो वहाँ? हम बड़ी दूर से आए हैं। सुना है महाराज बड़े दयालु हैं और सबकी मदद करते हैं। लेकिन मदद चाहिए क्यों? दरअसल कुछ डाकू हमारे गांव को लूटते रहते हैं। ये जादुई माला और छड़ी है, ये ले लो। माला पहनने वाला अदृश्य हो जाएगा और छड़ी 100 तलवारों से भी ज्यादा ताकतवर है। जाओ उन डाकुओं को सबक सिखाओ। लेकिन आप? ये है महाराज विक्रम और मैं उनका सेवक मुंजा, मुझसा नहीं कोई दूजा। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो महाराज यहीं मिल गए। मुझे जवाब मिल गया है। दरअसल में किस्मत और कर्म दोनों बहने हैं। दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। कर्म से ही किस्मत बनती है और किस्मत अच्छी हो तभी अच्छा कर्म करने का मौका मिलता है। महाराज की जय हो। लेकिन दोस्तों, अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो किस्मत कभी साथ नहीं देगी, क्योंकि कर्म और किस्मत दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और अब वक्त आ गया है कि मैं भी आपसे विदा लूं और अब अगली कहानी में मुलाकात होगी दोस्तों।